गाइस मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको आपको कि जैसे कि हैवी बोन किस तरह से आते हैं और लो बोन वाले कैसे, मतलब सिंगल कोट डबल कोट में क्या फ़र्क आता है और किस तरह से उनका प्राइस रेंज ऊपर होता है। बट अगर आपके पास प्राइस कम है, मतलब आपके पास मनी कम है और आपको एक सिंगल कोट वाला चाहिए यानी लो बोन वाला डॉग ब्रीड चाहिए जिसकी हेल्थ अच्छी खासी है और आप ये सोच रहे हैं कि उसको किस तरह से मस्कुलर बनाना चाहिए, मतलब जो उसका फेस कट होता है, जो लेग होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं और डॉग ब्रीड जो पपीज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और फिट लगते हैं और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर से देखना, एंड तक देखोगे तो सारे पॉइंट आपको पता चल जाएंगे जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आपके पास पपी है, कोई भी पपी हो, तो भी आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो गाइस ये पहला पॉइंट ये है कि मदर, कि आप अगर कोई भी पपी लेके आते हो तो जैसे कि 45 दिन का लेके आते हो, 50 या 40 दिन का, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जैसे उसको 40 दिन पे लाने की जगह पे आप और 5-6 दिन उसको मदर के पास रख सकते हो। हाँ, हालांकि आप बुकिंग या फिर पूरे पैसे दे के रख सकते हो या फिर आधे पैसे दे के रख सकते हो या फिर ऐसा हो तो पूरे पैसे दे के उसको बुक कर देना कि हमें 7-8 दिन बाद ले जाएंगे अगर आपको जल्दबाजी ना हो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो उसके मदर मिल्क उसको मिलता रहेगा ना, तो उसकी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है मदर मिल्क मिलने से, जिसके कारण आपकी पप्पी की हेल्थ ऑटोमेटिक 7 दिन के बाद जो है अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ नया पप्पी घर पे आते हैं उसके बाद जो वायरस होते हैं ना, जो आपके डॉग को या पप्पी को होने के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वो न्यूट्रिशन के कारण उसकी इम्यूनिटी शक्ति काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो ये सब सारे लोगों को पॉइंट पता है तो भी लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी करते, कोई कोई 30 दिन का, कोई 20 दिन का ही लेके आते हैं, किसी किसी पप्पी का तो आँख भी नहीं खुली होती तो भी वो घर पर ला के फिर उसको इंजेक्शन से उसको खाना देते। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सब्र रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है उसको हेल्दी रखने का, अगर आप जैसे उसके मदर मिल्क चालू हो उसके बाद आप कंटिन्यूसली एकदम से उसको कुछ भी हार्ड खाना, घर का खाना, चावल ऐसा कुछ नहीं देना, आपको क्या करना है नॉर्मल उसको एक दो दिन थोड़ा थोड़ा सेरेलैक्स देना है आपको, उसके साथ दही वगैरह भी दे सकते हैं आप। और जो पपीज के एज के आते हैं सेरेलैक्स वो ला सकते, नहीं तो मेडिकल स्टोर में जो बेबीज़ के लिए आते हैं वो भी स्टेज 1 स्टेज 2 का आप यूज़ कर सकते, वो भी अच्छा रहेगा अगर आपको नहीं मिल रहा है पपीज़ के लिए। तो उससे क्या होगा, उसके हेल्थ तो नहीं बढ़ेगी बट उससे धीरे धीरे उसका जो डाइट है वो शिफ्ट होता जाएगा, इम्यूनिटी शक्ति स्ट्रांग होती जाएगी जिसके कारण आपका पपी अच्छा खासा सर्वाइव कर सकता है। तो उससे ही चलते धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिन, जैसे 15 दिन 20 दिन आप उसको कंटिन्यू सेरेलैक्स देते हो 3-4 टाइम और दही देते हो, तो उससे क्या होता है कि उसका जो इम्यूनिटी शक्ति वो भी स्ट्रांग होती है और आपका पपी का जो वैक्सीनेशन पीरियड होता है वो भी निकल जाता है। वैक्सीनेशन पीरियड के कारण आपके डॉग की इम्यूनिटी शक्ति और भी स्ट्रांग हो जाती है जिसके कारण उसकी हेल्थ और बॉडी बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो तीसरा स्टेप है वो है कि उसको पप्पी स्टार्टर फूड देना। पप्पी स्टार्टर फूड एकदम से नहीं देना है आपको, सेरेलैक्स जैसे जैसे 25 दिन या 20 दिन आप देते हो उसके बाद थोड़े थोड़े दिन बाद उसको एक टाइम आप जो है पप्पी स्टार्टर फूड दे सकते हो। पप्पी स्टार्टर फूड भी जैसे आता है तो पानी में भिगो के आप दे सकते हो या फिर दही में डाल के दे सकते हो, तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है, एकदम से मत देना नहीं तो उसका इम्यूनिटी शक्ति काफ़ी ज़्यादा वीक होता है कभी कभार, क्योंकि नया नया डॉग फूड खाते हो तो अचानक से बीमार हो जाता है, लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उससे थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा आप। दिन में पहले 4-5 दिन एक एक बार दीजिएगा, एक बार फिर जैसे 2-4 बार जो सेरेलैक्स का टाइम होता है उस तरह से आपको देना है, फिर धीरे धीरे पप्पी स्टार्टर फूड आप उसको कंटिन्यू करना है और जैसे थोड़ा टाइम और हो जाता है तो आपको घर का खाना भी उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड करना है। घर के खाने में आप क्या कर सकते हैं, दही चावल होते वो भी दे सकते हैं, बॉयल एग होते वो भी दे सकते हैं और चिकन विकन अभी स्टार्ट मत कीजिएगा, थोड़े दिन ऐसे बॉयल एग, दही वगैरह, छाछ ऐसे सब देना है आपको। ध्यान रखना कि मिल्क आपको बिल्कुल नहीं देना है पपीज़ को क्योंकि मिल्क डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, वो स्ट्रीट डॉग को आप दे सकते हैं बट जैसे जो आपके पालतू होते हैं डॉग ब्रीड उसको आप मिल्क ना दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइसक्रीम वगैरह भी दे सकते हैं आप, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ आपकी पपीज़ की अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। ध्यान रखना कभी भी एकदम से हेल्थ अच्छी नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसके बाद आपको वेट भी चेक करना है। वेट चेक करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि नोट करके लिखना है कि 15 दिन पहले इतना था, महीने पहले इतना था, और जिस तरह से आप डाइट फॉलो कर रहे हो कि वो डाइट से उसका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्टर के पास जाके जो है उसको ज़रूरत के हिसाब से टॉनिक या फिर लिक्विड लेना है क्योंकि डॉग को दवाई की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने की, भूख लगने की, उसके मसल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करने की, जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग रखने की, तो उसके काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी दवाई आती है जो आपको 150 रुपीज़ से 80 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आता और वो मंथ तक चल जाती है आराम से, फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी आप दे सकते हैं।
इसके साथ साथ आपका पपी एक्टिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो उसके लिए टॉय भी ला सकते हैं या फिर कुछ खेलने को दे सकते हैं या फिर उसके बाद टाइम अच्छा खासा स्पेंड कर सकते हैं। प्रॉपर जैसे कि खाना खाने के बाद उसको थोड़ा बहुत वॉक करा ले जा सकते हैं ऊपर नीचे। घर पर तो आप अंदर ही रख सकते हैं क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं होता तब तक बाहर मत ले जाना। घर के घर अंदर आप जितना हो सके उतना उसको एक्टिव रखोगे तो उसको भूख भी बढ़ेगी, अच्छा खासा पानी भी पीने लगेगा वो, और उसकी इम्यूनिटी शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगी। और अगर आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको अच्छे खासा ग्रोथ नहीं हो रहा तो उसको एक बार ट्रीटमेंट करके आप देख लीजिएगा कि कुछ कमी तो नहीं है, कुछ मल्टीविटामिन विटामिन की कमी हो तो वो आप पूरी कर सकते हैं या फिर खाने के थ्रू भी आप उसे दे सकते हैं। और खाना ऐसा हो तो आप चेंजेस भी कर सकते थोड़ा थोड़ा करके। ध्यान रखना कभी भी अचानक चेंज मत करना। और अगर डॉग फूड ऐसा लग रहा है कि आपको डॉग फूड से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप डॉग फूड भी अलग से चेंज कर सकते हैं। डॉग फूड भी मार्केट में पपीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि महंगे महंगे डॉग फूड हो तो ही आपके डॉग को रिजल्ट मिलेगा। डॉग के आपके बॉडी पे कौन सा डॉग फूड सूट करता है अच्छे से वो आप चेक करनेगा। ऐसा हो तो आप ट्रायल पैक आता है 1 kg का ला सकते हैं या फिर 1.2 kg का भी आता है वो भी ला के आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका डॉग 3 मंथ का हो जाता है 4 मंथ का हो जाता है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसको और भी प्रोटीन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अगर फिट है तो कोई भी आपको फिर ऐड नहीं करना। अगर फिट नहीं है तो आप थोड़ा बहुत बॉयल एग उसको एक दिन के बाद दे सकते हैं, फिर चिकन विकन दे सकते हैं वो भी बॉयल करके। कच्चा आपको कुछ भी नहीं देना, कच्चा कोई भी चीज़ आपको उसको नहीं देना, नहीं तो उसको फिर से बीमार हो पड़ सकता है। अगर थोड़ा भी बुखार लग रहा है, आपका डॉग हाँफ रहा है, पानी नहीं पी रहा, उदास उदास लग रहा है तो डॉक्टर के पास भी चेकअप कराने आप ज़रूर ले जाओ उस टाइम पर, क्योंकि कभी कभार प्रॉब्लम सकती है। सो गाइस ये था जिसके कारण आप अपने डॉग को एक लो बोन से हैवी बोन बना सकते हो। आपको मेरी बनाई वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर सकते हैं, पेज की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दी है, एटमिक्स पेज है तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।